जी दोस्तों, ये लोड उठाने के लिए वेंच मशीन है, जिसमें थोड़ा सा जो है चेंजिंग करके इसको क्लच वाला जो सिस्टम है वो कर दिया गया। इसके अंदर एडवांटेज है, ये क्लच सिस्टम है। जब ये लोड इस हुक के साथ जब ये लोड ऊपर उठाएगी तो ये अभी आप देख सकते हैं लॉक है, तो जब लोड उठाएगी तो ये मोटर चलेगी और उसके बाद जब वापस आएगी मशीनरी जो लिफ्टर जो होगा इसके साथ, वो जब वापस आएगी तो इसको ऐसे करके अनलॉक किया जाएगा। ये यहाँ से डाउन किया और अनलॉक हो गया और उसके बाद ये फ्री है। यहाँ से आप देख सकते हैं इसको अनलॉक किया और ये मूव हो रहा है। तो अगर आप इसको लॉक कर देंगे इस तरह तो ये मूव नहीं हो सकेगा। तो ये इसके अंदर एडवांटेज है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिनी वेंच विद क्लच है और लोडिंग कैपेसिटी है इसकी 500 से 1000 केजी और इसके साथ वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट के ऊपर चलेगी, ये इसके लिए रिक्वायर्ड है और इनपुट पावर 2100 वाट है। इसके साथ 30 मीटर की वायर है, ये जो वायर है ये 30 मीटर की वायर है और ये इसकी शेप है, ये इसका रिमोट है अप डाउन के लिए, यहाँ से अप, यहाँ से डाउन और यहाँ से अप। तो ये इसकी इसका रिमोट और ये यहाँ पे स्विच है इसका और ये इसकी हुक, ये 30 मीटर वायर। और ये कंपनी है JUKI, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इसकी शेप जो है वो भी आपके सामने है। ये मोटर है और इस तरफ से ये शेप, ये इसका नंबर है, मैन्युफैक्चरिंग डेट है शायद यहाँ पे 1/4/2021 और इस तरफ से ये लॉक है इसका। ये इसको ऐसे करेंगे तो अनलॉक होगी और यहाँ पे ये लॉक है। तो ये इसमें वेंच मशीन के अंदर थोड़ी सी जिद्दत आई है और मॉडर्न है आप कह सकते हैं, और रेट का भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मुनासिब रेट है।